छठे इमाम के बाद एक शख्स आया, मौला ये तो नमाज पढ़ते ही नमाज कबूल होती है। मौला क्यों नहीं कबूल होती, मौला अलामत क्या है इस नमाज की? कोई तो अलामत होगी ना भाई, लोड कराने जाते हैं तो ऐसे में सीन आता है आधे घंटे तक वहीं चिपके रहते हैं कि भाई लोड नहीं आया, बताओ उसकी जान खा जाते हैं। वो कहे भाई आ जाएगा, नेटवर्क की कमी है, मसला है, कोई हो जाएगा। नहीं जनाब मुझे तभी करके दो, 50 रुपए के लिए उसकी हिटलर हो जाते हैं, जी जान को आ जाते हैं। जब नोटिफिकेशन आ गया, हमें आ गया अकाउंट में कोई पैसे डालता है नोटिफिकेशन आ जाता है आपके। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया है तो आपके मोबाइल में आ जाएगा भाई आपके बैंक में या आपने पैसे डाले हैं या निकाले हैं। नमाज कैसे कबूल हो, नमाज कैसे कबूल हो, नमाज पढ़े तो नमाज कैसे कबूल हो, पता कैसे चले? इमाम ने कहा एक फार्मूला दिया इमाम ने, और ये मेरे मौला का छठे इमाम का फार्मूला हर इबादत के लिए है, हर इबादत के लिए, सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। फरमाए कि मौला कैसे पता चले कि हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं? मौला ने कहा कि जितना जितना गुनाहों से दूर होते जा रहे हो, बुराइयों को छोड़ते जा रहे हो, जुल्मात से निकलकर नूर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, उतनी उतनी तुम्हारी नमाज कबूल होती जा रही है। इनकी इबादत क्या करती है, तारीखों से निकलकर नूर की तरफ ले जाती है, गुनाहों से निकलकर एक ही तरफ ले जाती है। रोजा भी ऐसे ही है, ज़कात भी ऐसे ही है, हर बात तवल्ला भी ऐसे ही है, तबर्रा भी ऐसे ही है कि गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है, शैतान को छोड़कर अली के रास्ते की तरफ आना है। तो जिक्र अली की इबादत, अगर जिक्र अली का इबादत है तो इबादत क्या करती है, कैसे कबूल होगा? जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र कर रही है, इबादत कबूल हो रही है, कबूल नहीं हो रही तो वही फार्मूला छठे इमाम का, गुनाहों को छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे, अली अली करके अली की बूढ़ी भंग पी रहे हो और अली का नाम बदनाम कर रहे हो, या अली अली करके अली की सीरत पे अमल करके दुनिया वालों को बता रहे हो कि आज 14 अगस्त है तो हम अपनी मजलिस में पाकिस्तान का परचम इसलिए लगाते हैं